नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आरबीएससी क्लास 10th की हमारी सीरीज चल रही है सामाजिक विज्ञान की, और पाठ नंबर 2 चल रहा था संघर्षकालीन भारत 1286-1757, जिसका वीडियो नंबर 5 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो अपनाए हैं, आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी सामाजिक सोशल साइंस के नाम से, आप जाकर वहाँ पर वो सारे वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर पार्ट नंबर 1 पूरा है, और उस पार्ट में से जो पीछे के पेपर में क्वेश्चन आए वो भी वीडियो है, और इस वीडियो के इस पार्ट के 4 वीडियो और हैं वो देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 का भाग नंबर जो है 5 इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे पढ़ना। तो दोस्तों, हमने हमीर देव चौहान पढ़ लिया था, अब स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप। तो देखो, महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो है 1572-1597। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ। यानी आपको ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, विक्रम संवत 1597, और ईस्वी पूछे तो 1540। अब देखो, महाराणा प्रताप से 2 तिथियां जुड़ी हुई है, 1540-1597। अब देखो, अगर ईस्वी 1540 है तो वो क्या है, महाराणा प्रताप का जन्म, और ईस्वी 1597 तो वो है महाराणा प्रताप की मृत्यु। और अगर 1597 विक्रम संवत पूछे, विक्रम संवत 1597 तो ये क्या है दोस्तों, ये है महाराणा प्रताप का जन्म। तो ये आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि विक्रम संवत जो होती है वो ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलती है, यानी 57+ होते हैं। जैसे अगर आप ये मानो कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में ईस्वी में, तो अगर विक्रम संवत के हिसाब से निकालें तो इसमें आप 57 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, लगभग 1654 विक्रम संवत निकलेगी, विक्रम संवत 1654, ठीक है। तो ये विक्रम संवत और संवत ईस्वी सन के बीच में मैंने थोड़ा सा आपको अंतर बता दिया ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो, प्रताप जो है महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़ा पुत्र था। उनकी माता का नाम जयवंताबाई, जो पाली नरेश अखेराव सोनग्रा चौहान की पुत्री थी, यानी उनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई, जो कि पाली के राजा थे अखेराव सोनग्रा चौहान, उनकी पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 में अजब दे पवार के साथ हुआ, यानी 1557 में उनका विवाह हुआ था अजब दे पवार के साथ। तो और 16 मार्च 1569 में इनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है अमर सिंह। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब इनका पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोगुंदा में दाह संस्कार हुआ। यहीं प्रसिद्ध महादेववाड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों व प्रजा ने प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप का महाराणा के रूप में राजतिलक किया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया, यानी उसे पद से हटा दिया। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो जगमाल है ये महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह की 3 रानियां थी, उसकी सबसे छोटी रानी थी जिसका नाम था धीरबाई भटियाणी, उनका पुत्र था, और उसको जो है महाराणा उदय सिंह ने अपने जन्म के मतलब अपने जीवित समय में ही उसको गद्दी पर बिठा दिया था, यानी उसको कह दिया था कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन मेवाड़ के सामंत और प्रजा थे वो चाहते थे कि जो शासक है वो प्रताप बने, क्योंकि प्रताप योग्य थे। 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूत ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 दल भेजे थे दोस्तों। तो पहला दल जो आता है वो आता है जलाल खां के नेतृत्व में, वो 1572 में प्रताप के पास भेजा गया जलाल खां को। फिर दूसरी बार जून 1573 में मानसी जो है आमेर का शासक उससे भेजा गया, और अक्टूबर 1573 में आमेर के भगवंत दास को, और चौथी बार 1573 में टोडरमल को भेजा गया। अब देखो, ये चारों शिष्टमंडल जो है प्रताप को समझाने में ऐसे बदले। अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है, तथा अंग्रेजों के समय शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहा जाता है। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया, तथा मानसिंह का सहयोग जो है वो किसको बनाया, आसफ खां को।
मान सिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर रवाना हुआ और पड़ाव मांडवगढ़ में डाला। 2 माह तक वहीं रहा। उसके बाद नाथद्वारा से लगे हुए खमनोर के मलोला नामक गांव पर अपना पड़ाव डाला। उधर शाही सेना के आगमन सूचना प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दीघाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में 1 बार आदमी प्रवेश कर सकता है, लेकिन सैनिकों की कमी होते हुए महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह स्थान उत्तम था, जहाँ प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से टकरा कर या भूखे पीछे मारकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 के प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई। राजपूतों ने मुगलों पर इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचा कर भागने लगे। इस प्रथम चरण जो हरावलदत्त था, इसका नेतृत्व हकीम का सूर कर रहा था और मुगल इतिहासकार बदायूं जो कि मुगल सैनिक सत्ता वस्वे में उस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों के आरक्षित फौज की प्रभारी मेहतर खान ने ये झूठे पर फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे। अकबर के सहयोग बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बनी और वह पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए। राजपूत भी फिर पहले मोर्चे में सफल होने के बाद नदी किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्ताल कहते हैं, में आ जमे। इस युद्ध में राणा की ओर से लूणा व राम प्रसाद हाथी मुगलों की ओर से गजमुक्ता और गजराज के मध्य युद्ध हुआ। राम प्रसाद हाथी के महावत मर जाने के कारण राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया और राम प्रसाद हाथी अकबर के लिए बड़ा महत्व था, जिसका नाम अकबर ने बाद में पीर प्रसाद किया। महाराणा प्रताप की नजर मुगल सेना के सेनापति मानसी पर पड़ी। स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने स्वामी संकेत पाकर उसकी ओर कदम उठाया, जिधर मुगल सेनापति मानसिंह जो मर्दाना नामक हाथी पर बैठा था। चेतक ने अपने पैर हाथी से टिका दिया और महाराणा प्रताप ने भाले का भरपूर प्रहार मानसिंह किया। मानसिंह औदे में छिप गया और उसे अंगरक्ष से मारा गया और औदे की छतरी का एक खम्भ टूट गया। इसी समय हाथी के सूंड में बधे जहरीले खंजे से चेतक की टांग कट गई। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर घेर लिया। बड़ी सादरी का जानला मन्ना सेना को चिरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया, आप रामचिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए, आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए, इसी मेवाड़ की बुलाइए। चेतक की घायल स्थिति देखकर राणा ने वैसे किया और रामचिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें जालामन्ना पर टूट पड़ी। जालामन्ना इन पिराणों का भरपूर सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलिचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए प्रलोक चढ़ गया। इसी जगह बलिचा में उसके चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप तो कभी परिस्थितिवश में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु उनकी आंखों में आंसू निकल गए। उसी समय ओ नीला घोड़ा असवार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो उसने सामने अपने भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपने कंधे पर लज्जित होकर बड़े भाई को चरण पकड़कर क्षमा याचना की। महाराणा प्रताप ने गले लगाया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ पर राज प्रशस्ति मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की। कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है और परिणाम की समीक्षा हेतु निम्नलिखित आधार विवेचने। उद्देश्यगत, अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को जीत पर मुगल दरबार में खड़ा करना अथवा मार देना था, या फिर उसका संपूर्ण जो राज्य है वो अपने साम्राज्य में लाना था, लेकिन अकबर इन उद्देश्यों में असफल रहा। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती क्योंकि अकबर की मानसी व असफ खान के प्रति नाराजगी, जिसमें उसकी डोडी बंद कर दी गई और मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना व मेवाड़ की सेना का पीछा न करना, ऐसे परिदृश्य हैं जो हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में लेकर खड़ा करते थे। फरवरी 1577 में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 से लेकर नवंबर 1579 तक शाहबाज का 3 बार लगातार मेवाड़ पर अभियान करना अकबर के उद्देश्य पूरे करने के प्रयास थे, फिर भी वह असफल रहा। महाराणा प्रताप का कोल्यारी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता का युद्ध होना है। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। अब्दुल रहीम खाने खाना के साथ उसका परिवार भी आया, जिसे उसने शेरपुर में छोड़ दिया। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर आक्रमण किया। अब्दुल रहीम खाने खाने के परिवार को बंदी बनाया। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए और अमर सिंह को अब्दुल रहीम खाने खाने के परिवार को सम्मानपूर्वक वापस छोड़ने का कहा। कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मेवाड़ और मेरवाड़ा का सीमा क्षेत्र है, यहाँ मुगलों का मुख्य स्थान था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस पर धावा बोला और दिवेर के संपूर्ण घाटी पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 को आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ कछवा को सफलता नहीं मिली, अभी तो उसकी मानवगढ़ में मृत्यु हुई, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा और झालदरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण कराया। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप 1585 में मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग जो कि छप्पन के नाम से प्रसिद्ध है लूणा चावंडी को पराजित किया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड 1585 से
अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ राजधानी यहीं पर महाराणा प्रताप की चामुंडा माता का मंदिर बनाया। 1597 ईस्वी में धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप को चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 उनकी चामुंडा में मृत्यु हो गई। चामुंडा से 11 किलोमीटर दूर बाडौली निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार हुआ और खिजड़ बांध के किनारे आठ खंभों में छतरी आज भी हम उसे महान योद्धा याद दिलाती है। प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर के कानों तक पहुंचा, उसे बड़ा दुख हुआ। स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्शाडा ने इस प्रकार किया कि अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गहलोत राणा जीत गयो दशन मुंद रशना उसी निशास मुख मुरिया नयन तू मृत सा प्रताप। आशय कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीव दबाई, निश्वास होकर आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी सामने नहीं झुकवाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को जो है मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर की युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। राव चंद्रसेन और बीकानेर राय सिंह जय सिंह और बाकी बच्चे हैं उनको जो है नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो यह का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।